watching Movers and Shakers. Hi, I'm Shekhar Suman and welcome once again to Movers and Shakers. आजकल हमारे देश की इकोनॉमी की हालत काफ़ी ख़राब है. लोगों को 20 रुपए की एक मैगजीन बेचने के लिए 30 रुपए का अचार मुफ्त में देना पड़ रहा है. समझ में नहीं आता कि अचार नहीं बिक रहा है या मैगजीन. यही हाल एक्सचेंज ऑफर के भी हैं. घर का हर आइटम पुराना देकर नया ले आइए. डर इस बात का है कि किसी दिन ये एडवर्टीजमेंट देखने को ना मिले कि आइए आइए हमारे एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाइए, 50 साल के बदले एक 30 साल वाला पति पाई. जल्दी कीजिए, स्टॉक सीमित है, योजना सिर्फ स्टॉक रहने तक. और अब तो हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, वहां क्या सीन होगा? दो दोस्त आपस में बातें करेंगे, अरे यार तेरे अब तक वही पुराने वाले डैडी, इस बार तू एक्सचेंज मिला नहीं गया क्या? आज के हमारे गेस्ट हैं बैड मैन गुलशन ग्रोवर और गुड गर्ल किटू किदवानी. बट बिफोर दैट अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शारी एंड हिज रबर बैंड. हमारे अनुसार बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भैया पहले का जमाना बहुत अच्छा था. यह हर बुजुर्ग कहता है पहले का जमाना था बहुत अच्छा था, कोई गलत काम नहीं होता था. लेकिन अभी एथेंस में एक कोई 2000 साल पुराना वेश्यालय यानी ब्रोथल पाया गया, यानी अब हमारे दादा परदादा के शराफत शक के घेरे में आ गए. इलेक्शंस का टाइम था, सो एक नेता ने इसे इशू बना लिया. बोले दोस्तों 2000 साल पुराना वेश्यालय हमारी प्राचीन संस्कृति का गवाह है, इस हेरिटेज को हमें बचाना है. और हाँ, अब एड्स हमारे लिए नई चीज नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों का प्रसाद है. जी ऐसे ही एक काफी मशहूर और पुराने वेश्यालय में आग लग गई. फायर ब्रिगेड आई, फायर पे तो 2 घंटों में काबू पा लिया गया, लेकिन फायरमैन पे काबू पाने में 6 घंटे लग गए. वैसे रशिया ने प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति को लीगलाइज करने का फैसला किया है. वहां की गवर्नमेंट के हिसाब से इससे एड्स कंट्रोल तो होगा ही, साथ ही साथ टैक्स भी खूब मिलेगा. वैसे हमारी महाराष्ट्र सरकार भी वेश्यालय के रख रखाव का जिम्मा अब अपनी देखरेख में करेगी. और सोचिए कि अगर गवर्नमेंट ने प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज कर दिया तो हमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, आवश्यकता है एक सरकारी वेश्यालय में ब्रॉथल इंचार्ज. 3 वैकेंसी, 2 SC ST, 1 जनरल कैटेगरी. क्वालिफिकेशन, एक मान्यता प्राप्त वेश्यालय में 3 साल का अनुभव. एक बहुत ही पॉपुलर और चर्चित सीरियल है बे वॉच. जो इसे नहीं देखते हैं उन्हें कहा जाता है अबे वॉच. और वो सीरियल इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उसमें लड़कियां लाइफ गार्ड्स हैं जो समुद्र में डूबने वाले को बचाती हैं. कैलिफोर्निया का खूबसूरत तट, और तट पर ये छोटे छोटे स्विमिंग सूट में बचाने के लिए तैनात खूबसूरत लड़कियां. कौन पत्थर दिल बेवकूफ इंसान होगा जिसका डूबने को दिल नहीं करेगा. हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो जाए तो समुद्र तटों पर डूबने वालों की लंबी लाइन लग जाए. लोग भेष बदल बदल के रोज डूबने जाने लगेंगे ताकि उन समुद्री अप्सराओं द्वारा बचाए जाने का सुख उठा सके. भीड़ को देखते हुए सरकार को कोटा सिस्टम लागू करना पड़ सकता है, और हो सकता है एक दिन डूबना धनवानों और बड़े लोगों का शौक बन के रहे. पुराने जमाने में ऐसी अप्सराओं की बाहों तक पहुंचने के लिए विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि लंबी लंबी तपस्या करते थे, तो क्या हम मॉडर्न महात्मा अप्सराओं की बाहों तक पहुंचने के लिए समुद्र में एक डुबकी नहीं लगा सकते? सब माया है. नमस्कार, सब इस कंप्यूटर की माया है. इस हफ्ते के आपके हॉरर स्कोप इस प्रकार है. मेष, क्योंकि इस राशि पर राहु की दशा चल रही है इसलिए इस हफ्ते आपको अंडरवर्ल्ड की समस्या हो सकती है. इस हफ्ते हफ्ता मांगने वाले कुछ टेलीफोन आने की भी संभावना है, और जिन्हें हफ्ते की समस्या नहीं है उन्हें इनकम टैक्स की समस्या हो सकती है. वृषभ, इस राशि वालों को इस सप्ताह वाहन आदि की दुर्घटना का योग है. आपके ड्राइवर के चश्मे का नंबर बढ़ गया है इसलिए ब्रेक पर आप पैर रखें. मिथुन, चूंकि इस राशि पर कामदेव और इंद्र दोनों विराजमान होकर एक ही अप्सरा पर लाइन मार रहे हैं इसका असर आपके रोमांस पर पड़ सकता है. फोन पर अश्लील बातें करते वक्त सावधानी रखें क्योंकि केतु की वक्र दृष्टि के कारण
आपकी ये तमाम बातें सार्वजनिक हो सकती हैं। कर्क, कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह का पूर्वाध सुखद होगा, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए। नकल के उत्तम अवसर मिलेंगे। बार बार लगातार इलेक्शन की ड्यूटी से परेशान आपके मास्टर आपको नकल करते देखकर भी अपना सर उस तरफ घुमा लेंगे जहां पहली सीट पर एक कम कपड़ों में सुंदर छात्रा बैठी है। सिंह यानी लॉयन। सिंह राशि वालों को इस सप्ताह राजनीतिक गतिविधियों से फायदा होगा। जिन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करके जिस अपराधी को जिताया था उससे विशेष लाभ का योग है। आप पर चल रहे सारे आपराधिक मुकदमे आपके मंत्री बनते ही तुरंत खत्म होने की उम्मीद है। कन्याओं के लिए इस सप्ताह पितृपक्ष से समस्याएं आएंगी। आपके पुरुष मित्र यानी के बॉयफ्रेंड्स को आपके पिता शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं। अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर कन्याएं किसी सुनसान जगहों पर ना जाएं, क्योंकि राहु के प्रभाव के कारण आपके बॉयफ्रेंड्स की आप पर नियत खराब हो सकती है। तुला, व्यापारियों के लिए यह सप्ताह अति उत्तम है। आपका तुलान तुला सड़ा गला अनाज भी अति उत्तम दामों में बिक जाएगा। मिलावट के लिए समय अनुकूल है। वृश्चिक, इस राशि वालों को इस सप्ताह अपने किए गए कर्मों का उत्तम प्रतिफल मिलेगा। प्रेस वालों को वो नेता अभिनेता सम्मान देंगे जिनकी चापलूसी में उन्होंने सारा साल बड़े बड़े लेख लिखे। पैसा लेकर जिस मंत्री का सेक्स स्कैंडल आपने दबाया था वो आपको बेस्ट मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिलवाएगा। धनु, इस राशि पर शनि की 7.5 दशा चल रही है, इसलिए आपके मित्रों की वजह से स्त्री पक्ष से मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं। आपके जो भी मित्र आपकी पत्नी को भाभी जी कहते हैं उन्हें इस सप्ताह के अंत तक अपने घर में प्रवेश न करने दें तथा अपने सारे फोन कॉल्स खुद ही रिसीव करिए। आपके घर जो ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं वो आपके नहीं, आपकी पत्नी के लिए आ रहे हैं। मकर राशि वाले सारे फिल्म मेकर्स के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। उनके बनाए फिल्म्स और सीरियल्स पर मंगल की वक्र दृष्टि है। जिन सीरियल्स की एक्सटेंशन की बात चल रही थी वो अचानक ही रोक दिए जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह वैसे तो अच्छा है, लेकिन कुंभ के मेले में जाने से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लाखों लोगों के नहाने से गंगा काफी मैली हो चुकी है और उस पानी में नहाने से आपको कोई चर्म रोग हो सकता है। मीन राशि वालों को इस सप्ताह मीन यानी मतलबी लोगों से पाला पड़ेगा। आपकी सास गठिया का इलाज कराने का बहाना करके आपके घर में कम से कम 1 महीने के लिए आ टपकेंगी, और जिन लोगों ने आपसे 2 दिन का कहकर रुपया उधार लिया था वो अगले 2 साल तक आपको शक्ल नहीं दिखाएंगे। थैंक यू आशीष, थैंक यू। इन महात्मा जी को देखकर मुझे एक महात्मा की याद आ गई। गेटवे ऑफ इंडिया पर एक बहुत बड़े महात्मा जी आए थे। उन्होंने मिलने आने वालों को बता दिया कि जो मेरे यहाँ आएगा और उसके मन में बुरा ख्याल यानी गंदा ख्याल यानी चीची ख्याल आएगा तो वो 10 मिनट के लिए गायब हो जाएगा। पहले एक सेठ जी खड़े थे, वो गायब हो गए। इसके बाद मकबूल फिदा हुसैन वो खड़े थे, वो भी गायब हो गए। हुसैन साहब के बाद माधुरी दीक्षित खड़ी थी। माधुरी दीक्षित का नंबर आया तो उससे भी बड़ा चमत्कार हुआ, इस बार महात्मा जी खुद गायब हो गए। कहावत है कि शर्म औरत का जेवर होता है, लेकिन आजकल औरतें जेवर नहीं पहनती। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो शर्म वाली नहीं है। एक मॉडल ने पूरे शरीर पर जेवर ही जेवर पहन लिया, कपड़े पहने ही नहीं। अब कोई कहे कि शर्म औरत का जेवर होता है। समय के साथ फैशन भी बदलता रहता है, कभी घूंघट का फैशन तो कभी बिकिनी का फैशन, लेकिन औरत चाहे घूंघट में हो चाहे बिकिनी में, आदमी हर हाल में उसका फॉलोअर रहा। गलत है वो कहावत कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। सच तो ये है कि हर असफल आदमी एक औरत के पीछे होता है, लगा रहता है 24 घंटे। एक नौजवान को एक डेंटिस्ट की बेटी से प्रेम हो गया। प्रेमिका के कहने पर वो नौजवान शादी की बात करने के लिए डॉक्टर के पास गया। वापस आया तो प्रेमिका ने पूछा कि तुमने मेरे डैडी से शादी की बात कर ली?
प्रेमी ठंडी आह भरकर बोला, गया तो था आज दोबारा क्लिनिक पर, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। आज भी एक और दांत निकलवा कर चला आया। लेडीज एंड जेंट्स, आवर शो हैज जस्ट बिगन बट इट कुड सून बी ओवर बिकॉज आवर गेस्ट इज बैड मैन गुलशन ग्रोवर। अरे गुल्लू शेखर, वन टू थ्री फोर, काटा मेरा पानी न मांगे मैं वो साफ हूँ काला, आज तो बच के जा न सकेगी चाहे पुलिस बुलाला। ब्लैक मैन इन ब्लैक, ब्लैक मैन इन ब्लैक, ब्लैक मैन इन ब्लैक। ये एपिसोड ब्लैक में देखना पड़ेगा। सो वी हैव टू MIBs नाउ, राइट गुलशन? एब्सोल्युटली राइट। वो जो रेप सीन्स होते हैं जो तुमने पता नहीं कितने इसका कोई डायरी वायरी बनाई है? करीब 99 हो गए, 100 आज जिस दिन होंगे उस दिन सेलिब्रेशन करेंगे। करोगे? एक और को रेप करके तो 101 हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, कभी हीरोइंस की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है कि इतना कम क्यों कर रहे हो, ज्यादा करो? नहीं शेखर, मैं ये एक्चुअली बहुत सीरियस इशू है। सीरियस इसलिए कि जिन यू नो लाइक जिन फीमेल्स के साथ में ये सीन करना पड़ता है, करना होता है अपने काम की वजह से, एक्चुअली यू नो वन हैज टू मेक श्योर कि दे आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, नंबर वन। एंड सेकेंडली, उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो ये रेप सीन कर रहा है उसकी बिल्कुल भी जाती जिंदगी में बुरी इंटेंशन नहीं है। एंड आई रिस्पेक्ट ऑल माई लीडिंग लेडीज, दैट्स अ फैक्ट। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा गुलशन, लेट्स बिकम MWG। MWG? मैन विदाउट ग्लासेस। ओह, आई थॉट मैन विदाउट वुमेन। अच्छा, ये हेलेन के साथ जो ये विवाद खड़ा हुआ, जो कंट्रोवर्सी हुई, वो किस तरह से खड़ी हो गई? शेखर, क्या हुआ, फिल्म में हेलेन मेरी बीवी का रोल कर रही है, और ये शादी ऐसी है जो वाकई चल नहीं रही, मतलब वो इस शादी से खुश नहीं है। पहली बात तो मैं तुम्हें बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार फिल्म में तुम्हें रोल में बीवी भी मिली। पर अक्सर तो दूसरों की बीवियाँ उठाते रहते हैं। ठीक है, तो वो फिल्म में मेरी बीवी है, और ये चूंकि एक माफिया है, घर कभी कभी चला जाता है, इस सीन में मैं अपने घर जाता हूँ, और जो एक पति का हक होता है एक तरह से कि बीवी है और आज मेरा मन है मैं उसके साथ फिजिकल संबंध करूं, वो इट लीड्स टू दैट एंड इन द एंड दैट सीन जहां पे मैं सपोजिटली जबरदस्ती अपनी बीवी के साथ ही सोता हूं, यानी बीवी के साथ बलात्कार। दोस्त, ऐसा तो हमारे इंडिया में हर रोज होता है, जो कि औरतें प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। तो उसमें क्या था कि सीन करने के दौरान ये लगा कि हेलेन का जो नाइट गाउन है वो फाड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए ज़बरदस्ती। तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, डायरेक्टर को भी ऐसा महसूस हुआ। मुझे उस वक्त लगा कि ये यार पर्सनल इंसल्ट, डेफिनेटली यार, कि अमेरिकन एक्टर के साथ पूरे सब कपड़े निकाल के सीन कर सकती है और हिंदुस्तानी के साथ नहीं। हमें ऐसा क्या नहीं है जो उसके पास है। नहीं, दिस इज एब्सोल्यूट कंप्लीट बायस। आई थिंक फिल्म के सीन की ज़रूरत थी, मतलब ये मैं पूरी ज़िंदगी तक नहीं भूलूंगा कि मेरा वो सीन ख़राब कर दिया उसने। क्या है तुम्हारे खट्टे मीठे मज़ाया अनुभव क्या है? मैं सेकेंड जंगल बुक की शूटिंग कर चुका था, और ये एहसास हो गया था कि ये लोग हमारी फिल्मों की तरह ना मिनट मिनट में शीशा नहीं दिखाते, फटाफट शीशा ये वो सब नहीं होता। अच्छा, मुझे लगा शीशा दिखाओ, मैं देखने भी लगा। आदत हो गई हम लोगों की, राइट। तो अब ये आधा आधा घंटा, एक एक घंटा शीशा लेके आती नहीं, और नॉर्मली उनकी मेकअप वेमेन होती हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको इशारा करूँ कि प्लीज गुलशन, यू लुकिंग फाइन, यू गुड, यू टेरिफिक, यू टेरिफिक, लुकिंग ग्रेट, वेरी हैंडसम। मतलब ग्रेट, लेकिन कुछ तो बताओ, कुछ लग रहा था कि कुछ आज मिसिंग है। कि मिसिंग क्या, अपनी शक्ल नहीं देखी 10-15 बार, और 10-15 पफ नहीं मारे। दो तीन दिन ये चला, और मुझे लगता है कि मैं
उनका बड़ा चहीता फेवरेट एक फॉरेन एक्टर था। तो नेक्स्ट डे मैं जैसे शूटिंग पे पहुंचा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पार्सल यूनिट की तरफ से गिफ्ट। मैंने बहुत फाड़ा बहुत खोला, अंदर से एक शीशा निकला। Have you ever dated an American woman? Many, Sheikh. Lots of them. Yeah? Yeah. अब तो सब outdated हो गए हैं। नहीं, अब क्या है? Telephone का bill बहुत। You are Bill Clinton in the making now. Our next guest is someone who is very special. She's been a supermodel and now is a super actress on television. She has recently picked up an award at the FFF. लड़की है? हाँ, लड़की। French Film Festival. Ladies and gentlemen, please welcome Mademoiselle Kitu Gidwani. Thank you. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que vous dites? Je dis beaucoup de choses. Ça vous, va? Vous parlez bien le français, c'est difficile de comprendre. You know how to do the French kiss? Oui, oui, but of course. Mm-hmm. No. C'est comme ça. Comme ça, ye to bahut kam tha. This is a French kiss? My God, I'm disappointed. Gulu, I just found out what a French kiss is all about. It's like... I want a real one, yeah. Real one? Yeah. A real one. He wants a real one. Hi. Hi, hi. Hey! Gulu, you from a French kiss, you're getting into a wrench kiss. Please leave her alone. Please, madam. Thank you. Nice to meet you, Kitu. Nice to meet you, too. Shekhar, ladki hai. Serious image. Kaha? Serious? No, I can't be serious because I'm married. I can't be serious about Kitu. Oh, I'm very serious about her. You keep wearing them. पहले ये बताओ कि तुम हिंदुस्तान से फ्रांस क्यों भाग गई? I did not run away. I just got एक ऑफर मिला था. मैं this was 10 years ago. I did the film and I came back. I'm so happy you're admitting 10 years ago. नहीं तो I was about 15. पहले तो मॉडल थी. अभी एक्ट्रेस हो. तब भी एक्ट्रेस थी. मॉडलिंग में एक्टिंग करती रहती थी. नहीं थिएटर भी करती थी. थिएटर भी करती थी। अभी क्या बेसिक क्या फर्क है मॉडलिंग में और एक्टिंग में? क्योंकि मॉडलिंग में भी एक्टिंग रिक्वायर्ड रहती है या नहीं रहती, पता नहीं। नो, इन एक्टिंग आई थिंक यू हैव टू यूज अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी? यू यूज योर ब्रेन, यू यूज योर इमोशंस। एक्टिंग में? यस। और मॉडलिंग में? जस्ट द बॉडी। क्वाइट प्रीटी मच। अभी जो तुम सीरीज कर रही हो, उसमें कौन सा ऐसा रोल है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? स्वाभिमान का रोल। स्वाभिमान? क्यों? Because it is like theater, it's very casual, it's very intense, it's very, I like the system of working. Matlab lines learn karke, you have one take without a break. Which has been your toughest, wackiest role? Toughest was the role I just did in Dance of the Wind, where I play a very intense Indian classical singer. So I had to study Indian classical music, I had to learn how to become a singer, and I had to do it all in 6 months. That was my toughest role. Wackiest, I think, I haven't had too many wacky roles. No? You would want to do one? Yes. Like? Well, I did one in Shaktiman, which I liked. Shaktiman. Yeah, ab main ghum ke aa jaun thodi der. Shot de baithe ho. To phir suno, baith jao. Ab tum se hi baat karenge. I'm getting worried. Yaar, main aapko impress karne ke liye itni serious image banayi hai. Haan, serious. और आप लोग इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे हो कि एक्टिंग में दिमाग की ज़रूरत है और मॉडलिंग में मैंने देखी है बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कैसे यार? आई मीन लाइक आप बोल रहे हैं एक्चुअली व्हाट कम्स अक्रॉस एक्टिंग में वैसे दिमाग की जरूरत है गुलू? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। है? बहुत ज़्यादा। फिर तुम और मैं एक्टिंग में क्या कर रहे हैं? दोनों सक्सेसफुल हैं। We just did a film together. Oh, you did? Yes. कौन सी फिल्म थी? दीपा मेहता की फिल्म की थी द अर्थ। अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले दिल्ली में शूटिंग की थी and I think we had a great time. You were very good, Kuchi. You had a great time? Yeah. Did you? Yeah. Oh, you both had a great time? Yeah. We had a great time separately. Thank you, separately. Okay, individually. Kiddus, tell me any funny experiences of your life, any funny thing that happened while modeling or while acting or anything. I mean, what is your wacky side like? Agar har insaan ka ek jo hai wo ek mazahiya paksh hota hai. You know, there are always two sides. Yeah, well, I'm always. I think I'm on the set. I'm always having fun. I mean, I always crack. Dirty. I can guarantee. Always cracking really? Dirty jokes. Really. Like something which is not so dirty, which probably you can hear in this. No. What dirty hote? What dirty? Where do you go from here? Home. Who's home? Are you going home? You're going home. I thought we were going together. Kitu, how do you deal with men making a pass at you? Depends on the man. Depends on the man.
And depends on the pass? Depends. अगर अच्छा नहीं तो उसको bypass कर देती हूँ. अगर पसंद है then of course pass भी पसंद होगा. मतलब men should be pass. Yes. And have you ever always dealt with these kind of passes? It's been a part of your growing up because you're so... No. You're gorgeous, you're pretty, you are... Thank you, no. Until I met you, no. Oh my God. I want to leave. I want to go. Kittu. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Gulu. Thanks, sir. You know, why am I wearing this? Because I really want to do a serious French kiss now. He's wearing specs. A French kiss? I think... Okay, thanks. Thank you. Well, thank you, Kittu Grover or Gulshan Gidwani. ये चश्मा पहन के तो मेरा दिमाग ही आउट ऑफ फोकस हो गया है. That's all for tonight, ladies and gentlemen. See you next week, same time in Movers and Shakers. Till then, it's a... For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.